आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ कलेजी और पथरी। तो देखिए, हमने इसको तड़का के लिए लिया है एक दो छोटा स्पून सरसों का ऑयल और आधा प्याज लिया है हमने, ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, प्याज को हमने आधा ही लिया है। इसमें हम तड़का लगाएंगे जीरा, लहसुन, मिर्चा और आधा चम्मच छोटा स्पून हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर, छोटा स्पून से हमने लिया है एक हल्दी पाउडर, गरम मसाला है चिकन वाला, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और आधा टमाटर डालेंगे, बस इतना ही हमने लिया है। तो चलिए हम बनाने स्टार्ट करते हैं। हमने इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल, थोड़ा सा जीरा लिया है तड़का के लिए, इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल देते हैं, बस थोड़ा सा ये मुलायम हो जाए, इसमें हम डाल देते हैं। दो मिनट के लिए ढक देते हैं। चलिए इसको हम देख लेते हैं, तो हो गया है ये, थोड़ा सा मुलायम हो गया है। अब इसमें हम पत्ते डाल देते हैं। तो फिर पत्ती थोड़ा सा टाइट होता है हार्ड, इसकी वजह से इसको हम पत्ते पहले डाल देते हैं और करेजी को थोड़ा सा रिचे मिलाएंगे 10-8 मिनट के बाद। तो साथ साथ बनाएगा, इसको हम ढक देते हैं। 5 मिनट तक एक बार इसको देख लेते हैं। दो तीन मिनट के लिए इसको भी हम और भून लेंगे। चलो आंच पे और इसमें हम डाल देते हैं मसाला, हल्दी, गरम मसाला, नमक, हमने प्याज में भी थोड़ा सा डाला था, इसको हम मिला लेते हैं। चलिए इसको हम ढक देते हैं। 2 मिनट हो गया है, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए भून गया है, इसको हम पलट देते हैं। फिर हम बीच में टमाटर को हम बीच में डाल देते हैं ऐसे, और ये भी गल जाएगा। इसको हम देख लेते हैं, ये देखिए कितना प्यारा सा आया है कलर और इसका खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो चलिए इसको हम सर्व करते हैं। ये हो गया है तैयार बनके, और देखिए फ्रेंड्स बनके तैयार हो गया है कलेजी, और टेस्ट बहुत अच्छा आया है और कलर भी बहुत प्यारा आया है, खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो आप लोग बताइएगा किसको किसको पसंद है कमेंट करके।
अगर मेरा बनाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नए नए।